लास्ट क्लास में हमने 7.2 पढ़ा था, आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ेगी, बट वो मैं जब आएंगे तो साथ के साथ इलस्ट्रेट कर दूंगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ साइन एक्स होता, ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते, इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर देते, साइन को कन्वर्ट कर देते कॉस में, बट यहाँ साइन स्क्वायर है, ठीक है, यानी पावर में 2 है, तो उसका हम इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर लीनियर नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर लीनियर ना हो तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा दो कि पहले पावर का डिफरेंशिएट करो फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो चेन रूल नहीं लगता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ये जो पावर है 2, ये जो पावर हमें 2 दिख रही है, इस 2 पावर को हटाना है, यानी पहले तो इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर फंक्शन में देखो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 2x जो होता है, कॉस 2x जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये वाला जो साइन वाला पार्ट था ये राइट हैंड साइड में चला गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट इधर आया तो नेगेटिव हो गया, और ये जो 2 कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पे देखो हम यही आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या 2x प्लस 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 और जो भी पूरा एंगल था 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 लिख दिया अपॉन में 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा लिख दिया है। अब उसके बाद कि हम चाहें तो, अब देखो लीनियर फंक्शन होगा तो अलग अलग कर सकते हैं, तो हम 1 बाय 2 अलग कर सकते हैं एंड कॉस 4x अपॉन में 2 को अलग कर देंगे, तो ये दोनों को अलग कर दिया। अब 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्योंकि लीनियर पावर है यानी इसकी पावर में क्या है, 1 है, तो उसका हम इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, और एंगल का ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 5। अब लास्ट सेशन में बताया था कि जो भी x का कॉफिशियंट होता है वो क्या जाता है, डिवाइड में आता है। ठीक है, इसको मैंने प्रूफ भी करा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये हम अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने पूरा डिस्क्राइब किया तो ज़्यादा समय लगा, बट अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम इस क्वेश्चन को और भी जल्दी करना सीख लेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, नेक्स्ट चले, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो ऐसा अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में आ गया है, जब अगर दो चीज मल्टीप्लाई में आ जाए तब भी हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऐसा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता तो तुम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगा देते, बट इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में है तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, या तो प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में लाया जाए, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2 साइन ए साइन बी, ये हमने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे 2 जो होता है वो 2 हमने क्या किया, डिवाइड में ले गए। ठीक है, तो डिवाइड में आ गया, तो अब इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, ये बेसिकली फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो ये हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, साइन 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7x, और साइन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, सीधा ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस कॉस 7x अपॉन में, जो भी x का कॉफिशियंट होता है वो डिवाइड में आता है, x का कॉफिशियंट डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई में आता था, बट यहाँ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, ये इंटीग्रेशन है।
और यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो साइन 3x माइनस 4x क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर ध्यान दे तो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और अब इसका साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स लगा दिया तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारा क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ तो तीन प्रोडक्ट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को पहले प्लस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में लाओ, मतलब मल्टीप्लीकेशन से हटाना है, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है उस मल्टीप्लीकेशन से क्या करना है, इसको हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टू कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस टू एक्स को नॉर्मल रखा, और ये जो कॉस फोर एक्स और सिक्स एक्स है, कॉस फोर एक्स और सिक्स एक्स है, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, टू कॉस ए कॉस बी का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो इधर हमारे रिजल्ट क्या जाएगा, कॉस फोर एक्स, फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, उसको कॉस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, उसको कॉस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो ये कॉस टू एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ रिजल्ट आ गया। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे। अब ये लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस टू प्लस टू एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, और ट्वेल्व एक्स का कॉस ट्वेल्व एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन में ट्वेल्व हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो कॉस एट एक्स हो जाएगा, एट एक्स, तो कॉस एट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एट अपॉन में क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे कॉस टू एक्स हमने पढ़ा है, कॉस टू एक्स किसके इक्वल होता है, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वन प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वन प्लस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही चीज यूज की है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, वन प्लस कॉस टू एक्स, तो टू एक्स ऑलरेडी था तो ये क्या हो गया, फोर एक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, हमने वन बाय टू अलग कर दिया, कॉस फोर एक्स को अलग कर दिया, उसका फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां तक किस स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, साइन क्यूब हो गया है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री का हमने क्लास इलेवेंथ में फॉर्मूला पढ़ा है साइन थ्री एक्स वाला, उससे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक हमारे पास एक और तरीका है, हम साइन क्यूब को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और साथ में क्या लिख सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस वन और साइन टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर एक्स को तो अभी सॉल्व करना है, हमने ऊपर सीखा है अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, सीखा है। तो ये क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ये टू लिखना भूल गया, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन टू एक्स प्लस वन है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टू आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो मैंने लिख दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर में टू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे, कॉस ये जो कॉस टू एक्स प्लस वन है इसको क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम टी लेट करेंगे तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कॉस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स प्लस वन, और ये डिफरेंशिएशन है तो एक्स का पावर क्या होता है, एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है,
तो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स होगा. तो यहाँ से साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, डी टी बाय में टू. साइन टू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, डी टी अपॉन में टू. तो यहाँ साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स जो है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डी टी बाय में टू लिख दिया. ये देखो डी टी और ये रहा टू, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस, इस कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे, टी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर. अब ध्यान दो, एक टू तो ये और एक टू ये जो लिखना भूल चुका है, ठीक है. ये वाला टू भी आएगा तो ये वाला टू किधर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा. अब उसके बाद क्या करेंगे, वन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा. और टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ती है, तो एक पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन में थ्री हो जाएगा, ठीक है. अब जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो अब टी जो भी लेट किया था वो हम क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स में आंसर करेंगे. तो क्या लिख देंगे, कॉस टू एक्स प्लस वन. और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन अपॉन में थ्री, ठीक है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ की. तो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ देखो, तो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ में क्या है, साइन क्यूब और साथ में क्या है, कॉस क्यूब है, ठीक है. तो इसको देखो सॉल्व करने के क्या तरीके हैं. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन जो क्यूब है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में स्प्लिट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ देखो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है. अभी मैं तुम्हें एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, बाकी अप्रोच तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो. यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी लगा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी के पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं. कॉस क्यूब एक्स है और यहाँ पे साइन क्यूब को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है. तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जब लिख देंगे तो अब क्या कर देंगे, कॉस एक्स को टी लेट कर लो. क्या कर लेते हैं, कॉस एक्स को टी लेट करेंगे. तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स. और डी टी बाय में डी एक्स होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स. तो ये डी एक्स इधर चला गया. तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को हमें क्या करना है, इसे हटा के क्या लिखना है, डी टी लिखना है. तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी टी. और ये कॉस की जगह टी आएगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा. अब टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे. तो टी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये क्यूब है सॉरी, टी क्यूब को वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टी क्यूब हो जाएगा. और टी क्यूब को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर फाइव हो जाएगा. तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थ्री क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एक पावर बढ़ती है. और फाइव क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. वही चीज डिवाइड में आती है. अब टी हमने लेट क्या क्या था, कॉस एक्स, तो वो कॉस की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो. यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू साइन ए, क्या करेंगे, टू साइन ए साइन बी वाला दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे. तो टू साइन ए साइन बी का क्या हो जाएगा, ये वाला टू यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है. तो अब साइन एक्स को नॉर्मल रखा और इन दोनों में क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया. तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे. और यहाँ टू एक्स प्लस थ्री एक्स को क्या लिखेंगे, फाइव एक्स लिखेंगे. और उसके बाद साइन को हमने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस के साथ. और साइन को हमने क्या किया, फाइव एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब यहाँ पे हम देखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स है, तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स है तो यहाँ अगर टू होता तो टू साइन एक्स कॉस एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं. टू साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, साइन टू एक्स के इक्वल होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, तो फिर हमारा क्या हो गया, ये साइन टू एक्स हो गया. और यहाँ देखेंगे तो साइन ए और कॉस बी, साइन ए कॉस बी का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे. साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी. ये ट्रिग्नोमेट्री का दोबारा से फॉर्मूला लगाया, ठीक है. तो ये हो गया. अब उसके बाद यहाँ कॉस जो यहाँ साइन बना था, साइन का इंटीग्रेशन किया तो वो क्या बन गया, कॉस टू एक्स अपॉन में टू बन गया. और बाहर चार था तो वो चार से मल्टीप्लाई होकर आठ हो गया. तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया. अब इधर बात करें तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स. यहाँ एक्स माइनस फोर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स. अब साइन का जब ये फोर एक्स का करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो ये साइन माइनस थीटा है तो एक माइनस क्या आना था, बाहर आना था. और फिर जब कॉस साइन कॉस में इंटीग्रेट करते हो तो भी एक माइनस आता है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा. यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है,
और एक साइन माइनस थीटा था, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस ही रहा, ठीक है। और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा क्या गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। किसी को डाउट है तो पूछो इस स्टेप में। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, मैंने तुम्हें क्लास 11th में भी बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स जब भी आए तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में बाय 2 होता है। और 1 प्लस एक्स हो तो किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये फॉर्मूला मैं तुम्हें एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में जो होता है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x होता है, ये जो होता है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है तुम्हारा, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम्हारा क्या आ जाए, यहाँ पर प्लस आ जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए तुम्हारा, प्लस आ जाए, तो ये किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और अगर यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2x है तो क्या होता है, एक्स होता है, 2x है तो एक्स होता है, बट अगर यहाँ पे एक्स हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे क्या किया है, उसने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, 10। अब 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, ठीक है, 10x है, बट यहाँ x बाय 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x बाय 2 है। और मैंने तुम्हें यह बताया कि x का जो कॉफिशियंट होता है वो क्या आता है, डिवाइड में आता है, तो x का कॉफिशियंट क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व। इसमें कुछ नहीं किया है, ये एक तो ये फार्मूला यूज हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस एक्स, और 2 कॉस स्क्वायर बाय 2 किसके इक्वल, 1 प्लस कॉस एक्स। और उसके बाद क्या क्या है, ए आइडेंटिटी यूज है, और फिर सिंपली क्या हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से ये इंटीग्रेट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 9th में क्या है, कॉस एक्स अपॉन में क्या है, 2 1 प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ देखो कॉस 2x का एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, कॉस 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th में, कॉस 2x किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2x नहीं है, सिर्फ क्या है, एक्स है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 है, यहाँ अगर 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाया इसने, कॉस 2x का क्या किया इसने, फॉर्मूला लगाया, तो ये फॉर्मूला लग गया इसने। अब कॉस 2x का क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लगा है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा है, वो क्या लग गया तुम्हारा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 में अपन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन ओपन में कॉस क्या बन जाएगा, 10, साइन ओपन में कॉस क्या बन गया, 10, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिख दिया, 10 लिख दिया। अब जब हम 10 का 10 स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसको हम इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, बट यहाँ पे बाहर माइनस था, तो ये sec स्क्वायर एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 2 का इंटीग्रेशन सीधा हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, और ये इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ अगर बात करें sec स्क्वायर एक्स का, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा होता है 10x बाय 2।
और x बाई टू यानी x का जो कोएफिशिएंट होगा 1 बाई टू क्या जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या गया डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। यहाँ पे कहीं दिक्कत है तो पूछो। 10th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, साइन की पावर 4x है, ठीक है। तो यहाँ जो 4 पावर है इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स का अभी तो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और यहाँ भी क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, यानी ये बी स्क्वायर है, और माइनस का 2 और 2ab हो जाएगा, तो 2ab क्या हो गया 2 cos a cos 2x हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो लीनियर है, 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट ये क्या स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब पॉसिबल तो है बट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होता है, बट ऑलरेडी 2x था तो ये क्या हो गया 4x हो गया, 4x अपॉन में 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे 1 बाय 2 अलग, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2, और 3 बाय 2 का ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय 2 cos 4x हो गया, और यहाँ पे 2 cos 2x हो गया। अब हम इनका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 3 बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x आ जाएगा, कॉन्स्टेंट के साथ क्या आता है x आ जाता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, और जो भी कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और यहाँ भी cos का जो होगा इंटीग्रेशन वो क्या होगा साइन, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली साइन की पावर 4 को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट किया, स्क्वायर के बाद लीनियर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के पैटर्न पे फॉलो हुआ। देखो यहाँ पे क्या cos की पावर 4 है, वहां पे क्या था साइन की पावर 4 था, तो यहाँ 4 को क्या करना पड़ेगा लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x दो बार लिखेंगे तो उसने सीधा ही स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद cos यहाँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है 1 प्लस cos 2x, लेकिन ऑलरेडी 2 था तो ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, वो बाहर कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ देखो ये तो लीनियर है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या cos स्क्वायर x है, यहाँ पे क्या है ये cos स्क्वायर x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे। तो यहाँ 4 है तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 बाय में 2। अब उसके बाद क्या क्या है 1 बाय 2 अलग, तो ये 1 बाय 2 और 1 प्लस होके क्या हो जाएगा 3 बाय 2, एंड यहाँ पे cos 8x ऐसे ही रहा और cos 4x ऐसे ही रहा, ठीक है। अब ये 4 जो बाहर था वो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद नॉर्मली क्या किया इंटीग्रेट किया, तो 3 बाई 8 का साथ क्या आ गया x आ गया, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, और साइन 8x है तो 8 मैंने बताया था जो कॉफिशियंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ cos 4x है और जो कॉफिशियंट 4 है 4 डिवाइड में आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, बाकी ये क्वेश्चन जब खुद से करोगे तो तुम्हें अच्छे से आएगा। अभी मैं भी तुम्हें थोड़ी ऐसा लग रहा हो कि आ रहा है, बट अभी खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। जब खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जब तुमसे खुद होने लगे तब कॉन्फिडेंस में आना कि हाँ अब ये एक्सरसाइज अच्छे से आ गई, अदरवाइज इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ही अच्छा है, ठीक है। और एनसीईआरटी इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन दिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लिया जितना एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये भी कर लिया तो बहुत है, ठीक है। अलग से कोई भी रेफरेंस बुक किसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ 12th में देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, तो पहले तो इस साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1 प्लस cos x दे रखा है। देखो जब भी 1 प्लस cos x दिखे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बनने वाला है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बनने वाला है, तो ये हमने बना दिया। और यहाँ क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। अब साइन स्क्वायर एक्स को देखो यहाँ पे साइन 2x का हमारा फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2
साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर अगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाय टू, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स है, वो साइन एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह इसने यहाँ पे क्या पुट किया, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला लगा है बेसिकली, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है ना टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन टू, यहाँ एक्स की जगह एक्स बाय टू इसीलिए यूज है क्योंकि यहाँ एक्स है। अब उसका क्या किया, होल स्क्वायर किया, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। देखो इसका फायदा क्या है, अब ये साइन यहाँ पे तुम देख सकते हो फायदा ये है कि तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू पूरा कट जाएगा, और यहाँ से टू से फोर भी कटेगा, यहाँ टू बचेगा, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया टू साइन एक्स बाय टू। ठीक है, अब लेकिन ये अभी भी क्या है स्क्वायर में है, लीनियर तो है नहीं, तो यहाँ पे हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या था वन माइनस कॉस टू एक्स होता है, बट यहाँ एक्स बाय टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा, वन माइनस कॉस एक्स। अब वन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो इस तरीके से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12th भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th, तो क्वेश्चन नंबर 13th में देखो देखो कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, यहाँ तो देखो लीनियर है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पावर है वो वन है, बट यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड भी इंटीग्रेशन में मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं जहां से आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे भी क्या करेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ देखो कॉस ए ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी यानी सी और डी से लिख रहा है तो लिख देता है कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस टू साइन ए सी प्लस डी अपॉन में टू और साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया आइडेंटिटी लगा दिया, माइनस टू साइन टू एक्स प्लस टू अल्फा अपॉन में टू, टू एक्स माइनस टू अल्फा अपॉन में टू, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा अपॉन में टू एक्स माइनस अल्फा बाय टू। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस टू से ये वाला टू कैंसिल, इस टू से ये वाला टू कैंसिल, और यहाँ क्या देखेंगे यहाँ पे साइन टू एक्स प्लस टू है तो उसमें इन दोनों में से क्या हो जाएगा टू कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से टू कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा यहाँ भी टू कॉमन आ गया तो साइन एक्स माइनस अल्फा हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा है तो यहाँ पे दोबारा से साइन टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अल्फा है तो यहाँ क्या लिखते हैं एक्स प्लस अल्फा अपॉन में टू लिखते हैं, एक्स बाय टू लगाया यहाँ पे एक्स बाय टू, अभी जो ऊपर किया था यहाँ भी एक्स बाय टू, सिमिलरली यहाँ भी क्या किया एक्स बाय टू और यहाँ भी क्या किया है एक्स बाय टू। ठीक है, अब जैसे ये करोगे तो तुम देखोगे कि एक साइन से ये वाले साइन से ये वाला साइन पार्ट कैंसिल, इस वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल, तो हमारा देखो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा फोर कॉस ए प्लस एक्स प्लस अल्फा अपॉन में टू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन में टू। अब यहाँ फोर है, इस फोर को हम क्या करेंगे देखो टू कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, टू कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे टू कॉस ए माइनस कॉस बी, तो टू बाहर कर देंगे और टू का क्या कर देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे जब से तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये हमारा क्या जाएगा डेटा आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हम नॉर्मली क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे जो इसने किया ना ये स्प्लिट करके, ठीक है ये स्प्लिट करके तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली टू कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फॉर्मूला तुम ऊपर पढ़ चुके हो वो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसने स्प्लिट करके दिया है, इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसने सीधा ही लगा दिया है। ठीक है, इसने वही फॉर्मूला लगाया है बट क्या क्या सीधा लगा दिया है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी देखो ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी लगा दिया, तो ये हमारा क्या गया इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में सिमिलर बहुत आराम से तुम्हें दिख रहा होगा कि ऊपर क्या दिख रहा है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर। ठीक है, बट फिर नीचे क्या है वन प्लस साइन टू एक्स है तो इससे हमें कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको पे ऊपर अभी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, तो
तो नीचे ध्यान से देखना जरा, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस साइन 2x है, साइन 2x, तो 1 को देखो क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 1 आइडेंटिटी होती है, और साइन 2x को देखो क्या लिख सकते हो, प्लस में 2 साइन एक्स, ये साइन है 2 साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस बी का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो हम यही लिखने वाले हैं, 1 की जगह क्या लिख दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स बाय 2, तो ये क्या गया कोसाइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय का होल स्क्वायर हो गया। अब तुम क्या करो, सिमिलरली सिंपली इसको क्या करो, टी लेट कर लो, इसको टी लेट करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा साइन, और ये डी एक्स, तो कॉस एक्स साइन डी एक्स, कॉस एक्स साइन डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, डी टी लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी टी लिख दोगे। इस स्टेप में इसने क्या है, तो ये डी टी लिख दिया, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर जब ऊपर होगा तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, अब इसमें एक पावर ऐड करोगे तो क्या जाएगा माइनस वन, और वही डिवाइड करोगे तो वन बाय टी प्लस सी, तो ये हमारा क्या जाएगा सिंपली क्या जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, और इसकी घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए।